Hi guys, welcome back to my channel. There is Saksha 11. So how are you all? I hope you are doing good. The friends, अभी बज रहे हैं सुबह के 8. Actually 8 अभी बजे नहीं हैं, बजने वाले हैं. और अभी हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है. अभी कुछ टेस्ट करवाने हैं. अभी मैं करूँगी अपना नाश्ता, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमको 15-20 मिनट या फिर आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा. तो अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ. और गाइस, मैंने बहुत मुश्किल से ये ड्रेस चूज़ की है, क्योंकि मेरे अलमीरा में अब कुछ ही ऐसे ड्रेसेस रह गए हैं जो मुझे सही से आते हैं, अदरवाइज़ कोई से भी नहीं आते हैं. और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो बहुत ही पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है. तो हम लोग पैदल पैदल ही जाएंगे, क्योंकि जस्ट हमारी बिल्डिंग से नीचे उतरते ही, क्रॉस करते ही वो लैब है जहाँ पे हमें टेस्ट कराना है. तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं क्लिनिक आ चुकी हूँ अपने हस्बैंड के साथ. और ये बहुत ही पास था, ज़्यादा दूर नहीं था. और अभी से ही इतनी धूप आ गई है, अभी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 हो रहे होंगे, बट स्टिल अभी बहुत गर्मी है. इतनी सुबह सुबह भी यहाँ पे इतनी भीड़ है कि मुझे काफ़ी देर तक यहाँ पर वेट करना पड़ गया, और मुझे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमें शुगर का टेस्ट कराना था, वो भी काफ़ी लंबा चला था, तो मैं यहाँ पे सो गई थी. तो फाइनली मेरा अभी चांस आने वाला है, मतलब मेरी टर्न आने ही वाली है. सो फाइनली मेरा टेस्ट हो गया है और हम लोग क्लिनिक से निकल गए हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत धूप है, अभी शायद 9 बज रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इतनी धूप है. तो फ्रेंड्स, जब मैं घर आई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और अभी मैं उठी हूँ तो अभी मैं लंच बनाऊँगी. आज ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चावला की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी. Thank you.
देव को इस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं अपना सेल्फी ले रही हूँ, और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि मेरी सेल्फी ख़राब हो जाए। इनको पता नहीं था कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे, बट स्टिल वो मेरी पूरी सेल्फी बिगाड़ने में लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और मुझे आज थोड़ा सा मेकअप करने का मन कर रहा था। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस हल्का सा आईलाइनर और लिप बाम लगाया है। एक्चुअली लिप बाम नहीं, लिप ग्लॉस लगा रखा है। उसके अलावा मैंने फेस पे एक मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ भी नहीं लगाया है। और मेरा जो आज का आईलाइनर है, एक्चुअल में इतना गंदा आईलाइनर कभी मैंने नहीं लगाया पूरी आज तक की अपनी लाइफ में। आई डोंट नो, शायद ये जो मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है, ये नेल्फ का आईलाइनर है, और ये मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी ग्लॉसी लगता है, बट स्टिल मैं इसको कभी कभी लगा लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर दूसरा वाला ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास दूसरा भी है एक आईलाइनर, तो मैं दूसरा वाला ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। और मेरा फेवरेट जो आईलाइनर है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट का आईलाइनर, वो बहुत ही अच्छा था। अभी मैं चाय बना रही हूँ शाम के लिए, और मोस्टली मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया है चाय पीने से, और मेरी फैमिली में भी सब मना करते हैं, बट मैं कभी कभार बना लेती हूँ क्योंकि मैं आदत से मजबूर हूँ लिटरली। और आप देख सकते हैं मैंने बाल बना लिए हैं अपने, बांध लिए हैं ऊपर, क्योंकि इतनी गर्मी है आज, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। शायद आप लोगों को भी इतनी ही गर्मी लग रही होगी। मेरी मम्मा से भी मेरी बात हुई थी, तो वो भी ये कह रही थी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और फिर भी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को कुछ और खाने पीने का मन नहीं था, और मैं काफ़ी कंट्रोल कर चुकी हूँ अपने अपने चाय पे काफ़ी ज़्यादा। तो नाश्ते के लिए मैं यहाँ पे चाय के अलावा हल्का सा मखाने को घी में फ्राई करूँगी। घी में इसलिए बिकॉज़ घी हेल्दी होता है, ऑयल से बेटर होता है घी। अगर आप सब्ज़ी में भी यूज़ करें घी तो भी वो इतना हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल सबसे पहली बात नहीं बढ़ाता है, और इसलिए घी यूज़ करना चाहिए। या फिर अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर वही आपको सूट करता है, तो उसके अलावा आपको एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो जिसको सरसों का तेल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, आप वो यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और मखाने को भुनना बहुत ज़्यादा इतना टफ़ नहीं होता है, सिंपली मैं अभी बनाऊँगी, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से बनाऊँगी।
चाय पीने का मन नहीं कर रहा? थोड़ा सा इसमें से ले लो भले। क्यों? मैं को ज़्यादा वैसे नहीं पीना, मैं को वैसे ही मना करता हूँ पीने के लिए। मन नहीं कर रहा कि क्या? मन कर रहा तो पी लो। चलो यार, एक घंटे में चल गया चाय। आज मेरा काजल कैसा लगा है? ठीक तो है, नहीं मैं थोड़ा सा लग गया है, बस बाकी तो ठीक है। सब कितना अजीब सा लगा है, इतना गंदा आईलाइनर, ये लाइनर ही खराब है। ये आईलाइनर इतना महंगा भी था और इतना खराब है। कौन सा था ये? पता नहीं, कोई नेल्फ नेल्फ करके था। मैं कहाँ से पेंगुइन लग रही हूँ बताओ? पेंगुइन कैसा हूँ मैं? मैं इतनी स्लिम ट्रिम। स्लिम? अच्छा, तो ये क्या है? ये भी थोड़ा बहुत तो पेंगुइन है ही। थोड़ा पेंगुइन है, पूरा पेंगुइन तो नहीं। अच्छा, मैं बिल्कुल भी पेंगुइन नहीं दिखते। बस तुमको चोंच लग रहा है। आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है मेरी। तो उन लोगों को भी बोल दो जो देख रहे हैं वीडियोस, क्या आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी है? हाँ, इतनी बेइज्जती तो बहुत है तुम्हारी आज के लिए। जो जो ये बोलता है कि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली। जो देख रहा उसको पता ही है कि हम कितने सीधे हैं। अच्छा, सो फ्रेंड्स, हम लोग का अभी नाश्ता हो गया है, चाय नाश्ता। और नाश्ते में हमने मखाने को फ्राई करा था, मींस फ्राई नहीं किया था, हल्का सा भून लिया था लाइक उसमें थोड़े से घी में। और आप चाहो तो किसी भी तेल में भी कर सकते हो, बट घी में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये नाश्ता इसलिए अच्छा होता है बिकॉज़ इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं होता है और बहुत सारा फाइबर होता है जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं नॉर्मली नाश्ते में यही करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मेरे पति का नया रूप। देखा होगा आप लोगों ने, और वो ऐसे ही हैं एक्चुअल में। अगर वो थोड़ा सा भी घुल मिल जाए किसी से भी तो बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट नहीं है, वो बहुत बात करते हैं बट बहुत जल्दी किसी से बात करना स्टार्ट नहीं करते। और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है उनका अपीयरेंस मेरे वीडियोस पे, तो इसलिए थैंक यू, उनकी तरफ से थैंक यू। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि वो मेरे वीडियो में और से और ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। तो फ्रेंड्स, मुझे आज कमेंट आया था एक रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए कि मैं प्रेगनेंसी पे एक फूड चार्ट, मतलब पूरा किस तरीके से आप पूरे दिन तक आप क्या खाओ जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को आपके सामने लेकर आऊँगी, बहुत ही जल्दी, हो सकता है अपने नेक्स्ट वीडियो में ही या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, बट बहुत जल्दी मैं इस वीडियो को पब्लिश करूँगी। अभी तक शूट नहीं किया है मैंने उस वीडियो के लिए, बट मैंने पहले भी सोचा था, लेकिन अभी दो तीन रिक्वेस्ट भी आई है तो मैं इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7:30 बज गए हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो सो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का जो ये रूप था, किस लोगों को कैसा लगा, या फिर चाय वाला वर्जन ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर फ़नी वाला वर्जन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको उनका कैसा नेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, कैसा रूप उनका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जो भी मेरे चैनल पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस बेल बटन। और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और नहीं भी लगा है तो जो भी आपको ऐसा जैसा भी लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। एंड टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।